हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल जी, पहली जीत हमेशा एक सीरीज़ में जो आप पहला मैच जीते हैं तो टीम को एक मोमेंटम मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और टेस्ट के बाद टेस्ट सीरीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए और आप T20 की सीरीज़ का पहला मैच जीत गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी अच्छा मोराल है लड़कों का। और आपको एक आपको पता है जिस तरह हम वहाँ से आ रहे थे, न्यूजीलैंड से भी लास्ट मैच हम जीते थे T20 का, तो अगर हम एक मोमेंटम बना हुआ इंशाल्लाह कोशिश करें इसको कैरी करें। देखिए जी, मेरे ख्याल से जब आप किसी चीज़ की एम करते हैं और अल्लाह पाक से मांगते हैं तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो इम्पॉसिबल हो, वो ज़रूर अल्लाह पाक आपको देते हैं, मगर आपकी नीयत, आपकी राइट वे, सब कुछ एक लाइन पे हो। मैंने हिम्मत की, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ दे दिया, और ये एक मेरे लिए तो ऑनर की बात है ही है, मगर मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि दुनिया का विकेट की पाकिस्तान के लिए विकेट कीपर बैट्समैन जो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की है, तो एक मेरे लिए एजाज़ कि पाकिस्तान के सतह पे मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। ठीक है जी, ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है मगर खेलना देखने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पिचेज हमेशा अगर आप इस चीज़ को रीड करना चाहें कि जिस तरह पिच अर्ली ऑन ग्रिप कर रहा था, अगर खुदा नास्ता मैं वहाँ पर विकेट दे रहा था तो शायद ये आज ये रिजल्ट ना होता जिस तरह है। हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, पिच को रीड करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है अपने सीनियर्स प्लेयर से, अपने जो हमारे बड़े बड़े लेजेंड हैं, हम यही सिखाते हैं कि पहले सबसे पहले जाके पिच को रीड करो कि पिच की डिमांड क्या है, उस हिसाब से फिर खेलो। तो मैंने वही कोशिश की, ऊपर से आपको पता है कि हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम जो है, बाबर भी पहले ओवर में रन आउट हो गए, तो आपको पता है फिर आपको लंबा लेके जाना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने अर्ली ऑन स्ट्राइक रेट इसी पे रखा हुआ था कि मैं विकेट ना दूँ। इस टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैं गेम को लंबा ले जाऊँ, तो इसीलिए फिर वो अर्ली ऑन स्ट्राइक रेट कम था, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में अल्लाह पाक ने कवर करवा दिया। देखिए जी, उस टाइम हकीकत बताऊँ तो सिर्फ पाकिस्तान का जो टारगेट वो चल रहा था मेरे जहन में, कभी 100 का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर आप देख ले उसके 96 में भी क्या छूटा है, 98 में भी क्या छूटा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं अपने 2 के लिए चला जाऊँ आराम से, नहीं, मैंने कहा इस टाइम पाकिस्तान का टारगेट कम है, छक्का हमें, क्योंकि छक्के चौके की ज़रूरत थी उस टाइम, तो मैं अपने 100 पे क्या करता अगर मेरा टारगेट वो मैं जो दिल में था, जो मैं नवाज ने प्लान किया था वो ना अचीव करता, तो मैं अपने 100 पे क्या करता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 100 का मज़ा आ रहा है कि मैच जीत गया उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर वो उस टाइम अगर 98-99 भी होता मुझे कोई परवाह ना होती उसकी। देखिए जी, कंडीशन मुश्किल है वाकई हम मानते हैं, मगर ये हमारे लिए सिर्फ नहीं है, दोनों टीमों के लिए है। इस टीम में अगर आप देख ले अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे पास हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उन्होंने आज करके दिखाया, हमारे स्पिनर्स ने जैसे बॉलिंग की है, नवाज़ ने बॉलिंग की है, उस्मान कादिर ने बॉलिंग की है, एंड में जिस तरह फ़हीम शाहीन शाह और क्या कहते हैं हरी भाई, इन लोगों ने जिस तरह कवर किया सबके सामने, अर्ली ऑन उन लोगों ने रस किए, फिर भी उसके बावजूद हमने इतनी एफर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह कि 170 में उनको कवर कर गए, तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। डिफिकल्ट हमारी सब हमारे लिए सब कुछ डिफिकल्ट है, उनके लिए भी डिफिकल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमेंटम बना हुआ है, कोशिश करेंगे कि इसको थ्रू करें इंशाल्लाह।